अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल शाइन हेल्थ केयर ब्यूटी टिप्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर्विक्स जी के बारे में। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आप सर्विक्स जी का इस्तेमाल किन मसाइल में कर सकते हैं, और बताया जाएगा कि इसका इस्तेमाल का तरीका क्या है और क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन की अलामत पर क्लिक कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेडिसिन के बारे में मालूमात हासिल करते रहें। दोस्तों, सर्विक्स जी के अंदर हमें एक मिनरल्स मिलता है जो कि एक जिंक है। इसके अलावा 9 विटामिन मिलते हैं। जिंक, विटामिन ई, विटामिन सी, फोलिक एसिड, विटामिन B1, विटामिन B2, कोटिनामाइन, विटामिन B6, विटामिन B12, एथोनिक एसिड, ये वो तमाम विटामिन हैं जो कि हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत मुफीद है और जरूरी भी। आप पहले ये जान लें कि सर्विक्स जी का इस्तेमाल किन मसाइल में कर सकते हैं। सर्विक्स जी का इस्तेमाल आप हेयर फॉल में कर सकते हैं, जिन लोगों के बाल गिरते हैं या फिर जवानी में ही सफेद हो रहे हैं उनके लिए दोस्तों इसमें जिंक मौजूद है, जो इस मसले का बेहतरीन हल है। इसके अलावा जिन लोगों के पट्टों में दर्द रहता है या फिर जौ रहता है, वो लोग इसका इस्तेमाल करें। सर्विक्स जी दोस्तों खून की कमी को खत्म करती है, यानी एनीमिया का ट्रीटमेंट आप इससे कर सकते हैं। खून में नए ज़रात पैदा करती है। इसके अलावा जिन लोगों में थकावट बहुत जल्दी होती है, थोड़ा सा काम किया और थकावट हो गई, उनके लिए भी ये आइडियल टॉनिक का काम करती है। चेहरे पर दाग धब्बे खत्म करती है। इसके अलावा स्याहियों के लिए भी बहुत मुफीद है। जिस्म में खून की रवानगी को दुरुस्त करती है। खून की रवानगी दुरुस्त होने से दोस्तों आपकी चेहरे की रंगत साफ होगी। जिन लोगों को रात के वक्त देखने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये एक अच्छी चीज है। इनकी ड्राइनेस को खत्म करती है। अगर आप चोट लगी है या जख्म है तो उसको भी जल्दी ठीक करने में मदद करती है। दिमाग में न्यू ब्रेन सेल प्रोटेक्शन करती है, जिससे दिमाग की सलाहितों में इजाफा होता है। सर्विक्स जी के इस्तेमाल आपको हर किस्म की जिस्मानी कमजोरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने का तरीका दोस्तों अगर बताएं तो एक गिलास पानी के साथ एक गोली खा सकते हैं। आप इसे खाना खाने के दरमियान भी खा सकते हैं तो बेहतरीन है, वरना आप इसे खाना खाने के 10 या 15 मिनट के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे दोस्तों, 24 घंटे में एक गोली से ज्यादा बिना डॉक्टर के मशवरे के इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों, अगर सर्विक्स के साइड इफेक्ट के बारे में बात करें, दोस्तों इसके आपको साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। इस सूरत में जब आप गोली खाने के बाद पानी का इस्तेमाल कम करें, आपको इसके डेफिनेटली साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ओवरडोज लेते हैं, यानी 24 घंटे में एक गोली से ज्यादा लेते हैं, तो इस सूरत में आपको इसके साइड इफेक्ट मिलेंगे। इनमें मुंह से ज्यादा पानी का आना, माउंटेन, स्टमक में पेन शुरू हो सकती है, तो ये साइड इफेक्ट इसकी ओवरडोज की वजह से हो सकते हैं। मेरा मकसद ये है कि मेडिकल को आप तक आसान लफ्जों में पहुंचाया जाए। मैं उम्मीद करती हूं कि आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दें। अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।